स्पाइडरमैन नो वे होम सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की छठी फिल्म बनी। कमाई जानकर हो जाएंगे हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड टॉम पर। पूरा विश्व कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की मार झेल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बड़ी मुश्किल से 2 महीने के लिए थिएटर खुले थे। इन 2 महीनों में भारत में कई बड़ी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इन सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम ने। इस फिल्म ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। साल के अंत में रिलीज हुई इस फिल्म पर कोविड की तीसरी वेव का असर पड़ा, उसके बावजूद इस फिल्म ने भारतीय फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बराबर की टक्कर दी है। इस फिल्म ने पूरे विश्व में कमाई का नया रिकॉर्ड कायम किया है। सभी बड़ी फिल्मों को पछाड़कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली दुनिया की छठी फिल्म बनी टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन नो वे होम। इस फिल्म ने दुनिया भर की बड़ी बड़ी फिल्मों की कमाई को पछाड़ दिया है। इसकी कमाई की बात करें तो इसने अब तक पूरी दुनिया में लगभग $1.69 बिलियन की कमाई की है। इस फिल्म की यह कमाई इसीलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान कई देशों में यह फिल्म कोरोना की वजह से अच्छे से प्रसारित नहीं हो पाई थी, इसके बावजूद इसने इतनी ज्यादा कमाई। इस फिल्म ने कई फिल्मों को पछाड़ा है जिसमें जुरासिक वर्ल्ड और द लायन किंग के ऑल टाइम कलेक्शन को पार किया है। जहां फिल्म जुरासिक वर्ल्ड ने 1.67 बिलियन की कमाई की, वहीं द लायन किंग ने करीब $1.66 बिलियन बटोरे। इन दोनों से आगे अब स्पाइडरमैन नो वे होम की कमाई है। इस फिल्म को मार्वल और सोनी ने एक साथ मिलकर बनाया था क्योंकि दोनों के स्पाइडरमैन के कुछ किरदार इस फिल्म में नजर आए थे। आपको बता दें कि ये फिल्म भारत में पुष्पा द राइज के साथ रिलीज हुई थी। इसने ना सिर्फ हिंदी में बल्कि सभी भाषाओं में जमकर कमाई की। इसके बाद रिलीज हुई रणवीर सिंह की 83 की कमाई भी प्रभावित हुई। टॉम हॉलैंड स्टारर इस फिल्म ने भारत में लगभग 212 करोड़ रुपए की कमाई की, जो सभी बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा है। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।